मतलब अच्छा नेक्स्ट राउंड के लिए ठीक है. तो हर राउंड पे ना यही बोलते थे सिलेक्ट हो गयो. मैं ग्रुप मैं हो गया मेरा सिलेक्ट हो गया मैं फोन कर दूँ. कह रहे नहीं नहीं अगले राउंड के लिए. तो ऐसे करते करते चार राउंड तो हो गए. उसके बाद फिर कहते सिलेक्ट हो गए. मतलब अब हो गया जी नौकरी सिलेक्ट. कह रहे नहीं नहीं अगले राउंड के लिए. मतलब अगला राउंड क्या है? कहते ट्रेड टेस्ट जहाँ पे आपको एक 3 course मेन्यू बनाना है. तो मुझे ना बेकरी का शौक था. तो बेकरी में क्या होता है आप लोग भी सीखोगे कि बेकिंग के लिए ना इफ़ यू मेकिंग क्रोसन या ब्रेड या कोई भी डो उसको ना प्रूव करते हैं फर्मेंट करते हैं. कई ऐसे डो होते हैं जैसे क्रोसन होता है आप फ्रेश नहीं बना सकते. वो एक दिन पुराने डो का ही बनता है. आप डो बना दोगे उसका आटा गूंदोगे उसके अंदर बटर लगा के फोल्ड करके रखोगे उसको ना एटलीस्ट 12 hours का रेस्ट देना पड़ता है. अदरवाइज वो क्रोसन जैसे फूलता है ना वैसे फूलता नहीं. तो मैं गया शेफ़ के पास जो वहाँ पे होटल की शेफ नीता नागराज. सो उनको बोला मेरा तो ये बेकरी वाला है. तो कहते हाँ तो बाकी सब तो सुबह 9 बजे आ रहे हैं तेरे को तो अभी इससे काम करना पड़ेगा. तो आई सेड कहते कर लेगा. बोला हाँ करना है तो कर लूँगा. तो रात के 8 बजे थे मैं चेंज किया. मैं किचन में गया बेकरी में. मैंने वहाँ के शेफ़ को बोला शेफ आई हैव टू मेरे मेरा ना मैं ट्रेनी अभी ट्रेनी नहीं कह रहे ट्रेनी हूँ. मैंने नहीं नौकरी के लिए आया हूँ. मेरा ना लास्ट राउंड है ट्रेड टेस्ट है मेरा. तो ये मुझे 3 course मेन्यू बनाना है तो आई विल स्टार्ट वर्क हियर. कहते नहीं 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 हमारे बैंक्वेट में एक पार्टी हो रही है तू इंग्लिश बोल लेता है? बोला हाँ. कह रहे वहाँ खड़ा हो जा. मैंने क्या करना है? कहता पास्ता बनाना है. मैं बोला मैं तो नौकरी के अपने मैं एम्प्लॉई नहीं हूँ. कहता अगर करेगा तो तेरे को करने दूंगा नहीं तो नहीं करने दूंगा. दादागिरी ऐसे ठीक है मुझे आता नहीं. कहते कुछ नहीं है वाइट सॉस है रेड सॉस है इसमें ये मिला दिए इसमें ये मिला दिए जो बोले सब नमक वगैरह बिल्कुल सब सेट है. और कोई इंग्लिश में बात करे तो उन्हें साथ में एक जो शेफ खड़ा लाइव काउंटर पे उसको बता दियो क्या बोल कह रहे हैं क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती. सो आई वॉज द इंटरप्रेटर देयर एंड मेकिंग एंड आई वॉज पास्ट फ्रेश पास्ट आउट ऑफ कॉलेज. कॉलेज में हमने पास्ता सीखा ही नहीं था. सुना था पास्ता नाम की कोई चीज़ होती है. अब तो यू हाउ ओल्ड आर यू गैस 1920 अब तो आप लोग पास्ता खा के बड़े हो. हमारे टाइम पे तो पास्ता इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम. तो हम लोग सोचते पास्ता क्या होता है यार पास्ता. अच्छा अब तो इट्स अ कॉमन थिंग ना यू मेक एट होम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 20 years बैक आस्क योर पेरेंट्स नोबडी नो व्हाट अ पास्ता इज. फॉरगेट पास्ता पिज्जा ही नहीं होता था. हाँ ये 20 साल पहले याद है 1 साल की थी. हाँ पिज्जा नहीं था 20 साल पहले यार. बर्गर भी नहीं होते थे कुछ भी नहीं था. व्हाट विल यू ईट इज ओनली 20 years बैक दैट केम टू इंडिया. सो फॉर अस ईटिंग आउट मेंट दाल मखनी खाएंगे बटर चिकन के साथ. दैट वाज अ हाई एंड चाइनीज दैट वाज इट. एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बहुत पापड़ बेलने पड़े. आई हैड टू स्टैंड 2 hours है 8 से लेकर रात के 10 बज गए. आई हैड ऑलमोस्ट अ नर्वस ब्रेक डाउन कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो वहाँ पे शेफ नीता नागराज जो एग्जैक्टली शेफ आई तू क्या कर रहे तू तो वो ट्रायल देने आए. मैंने शेफ ने यहाँ लगा दिया. वो हंस हंस के पागल हो गई और तू खड़ा हो गया यहाँ पे. मैं लगा वो करने नहीं देगा मुझे मेरी नौकरी जाएगी. कह रहे ऐसे थोड़ी ना होता है. कह रही जा जा कर विल मैनेज अभी पार्टी खत्म हो गई है जा. सो श्री स्वामी के यहाँ पे खड़ा हुआ है बेचारा डर के कि आई वॉज देयर 19 ऑफ ऑल योर एज एंड आई वॉज कुक लाइक ओके नौकरी तो चाहिए मैथ्स फिर से आ जाएगी. डैट इज राइट देयर मैं तो बोला था. मैंने नहीं नहीं पीओ के पास नहीं जाना आगे बढ़ना. एनी वे आई स्टार्टेड माई वर्क एट अराउंड 10:30-11. आई फिनिश्ड एट 4. किचन में एक टेबल के नीचे आई टुक एन एप्रन. शेफ ने कहा यहीं सो जा रात हो गई. मतलब ठीक है. गॉट अप फ्रेशन अप 9 o'clock बैक स्टार्टेड बेकिंग देम बिकॉज उसको रेस्ट मिल गया 10 घंटे का. अच्छा बेक भी नहीं कर सकते 1 बजे था. सो आई हैड टू बेक एट 12 फ्रेशली बेक्ड सर्व करना था. सो बेकिंग करी सब कुछ किया. शेफ 1 बजे टेस्टिंग थी. शेफ कह रही है मेरे को कोई इमरजेंसी आ गई. हम 6 लोग थे जो इंटरव्यू दे रहे थे फाइनल 250 में से. उसने कहा मेरे को कहीं जाना है अर्जेंट मीटिंग आ गई शाम को 5 बजे. हमने ठीक है शाम को 5 बजे दोबारा से रीहीट किया. कह रही नहीं 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 आई एम बिजी 6 बजे. शाम के 6 बज गए. फिर हम 6ों ने उनको प्रेजेंट किया. हमें एक रूम में बिठाया. फिर एक मैडम आई एक लड़की थी उसको ले गई. बाकी सबको कहते आप सिलेक्ट हो गए. हमने बोला अच्छा नेक्स्ट राउंड. नहीं 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 फाइनल हो गया. तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे. इस जो लेडी आई थी मतलब इस पे विश्वास नहीं करेंगे ये फाइनल हो गया मतलब क्या अगले राउंड के लिए नहीं मतलब हम नौकरी मिल गई है. कहते हाँ मतलब वी आर एम्प्लॉयड.
career? No. मैंने देखा, you'll be getting an employment letter. You have to sign it, accept it, and then. So now what is the stage? You have to meet the GM. So there is another round. Career yes. मैंने तो ये कैसे selection? लेकिन that's a formality. मतलब हो गई है. So I actually stood up and said, can I go home and say that, you know, I got the job? मतलब is it okay or there's a possibility that after 10 days you might just call, sorry, you didn't, there's another round. So she laughed. She's like, no, you can please tell your parents. I'm sure they're worried that you've got a job. And I was so happy. I had my papa ka bajaj chetak then. I drove it like a Harley Davidson. Back home, dad, I got the job and I said, and I fainted because I hadn't slept. And this is the first time ever that I actually didn't sleep. Like 4 baje se leke subah ke 8 baje, 4 ghante, I was under a table, wo stainless steel ka table, hilo tuck tuck tuck. So just pretending to sleep and rest. I fainted, literally. And they were like, kya hua? Nokri mil gayi. So it was such a big deal to get a bloody job. Because I remember baki ki jo strength thi, out of, you were 800 in first year, we were 60. Only 25 got job. There were no jobs. So it was like mar dhaad. And I was the always a low, below average guy. Securing a job in Taj as a kitchen management trainee was a big deal then. Like, how did he get isko kaise mil gayi? You know? So, like I said, I wasn't the best in academics. I still am not. But I know what I want and I know I can give my 100%, my attendance, I can learn. I'll be slow at learning, but I'll definitely catch up. So my advice to you is not read, write, and score good numbers. I don't know if you know this or not, hotel management is possibly the only college. When you sit for your final year, aapke 33% aaye hain. ये आपके 99% आए हैं. Nobody even asks. कोई नहीं पूछता. Not even a single hotel who will come to give you a job will ever ask you कितने percentage आई है. Wow, 99 आई है, इसका तो हो जाएगा. It's not like commerce or science or any other stream कि आपके number आएंगे तो आपको job मिलेगी. मेरे number कभी आए नहीं थे. Yet I secured one of the top jobs then. How? What do you think? Because I was exceptional? No. What do you think? I would want you two guys to talk now. Hanji? Acha, dedication, hardworking. Okay. Aur? Passion to yaar banana pada. Kyunki aur na koi chara nahi tha. Kyunki option nahi thi na. अब तो वो भी 3 साल हो गए. अब तो मैं कॉलेज अगर दोबारा से कॉमर्स के दूंगा, पढ़ाई करूंगा, तो आई विल बी द ऑड वन आउट. लोग बोले अंकल आया. यू नो दे विल बी ऑल 19, आई विल बी लाइक 21, 22, आई विल बी लाइक द अंकल ऑफ द प्लेस. सो आई हैड नो ऑप्शन. तो पैशन तो मतलब भूल ही जाओ ना. मतलब पैशन तो बोलना पड़ा, अब यही पैशन और उसको बनाना पड़ा. वॉट एल्स, वॉट डू थिंक, वाई? प्रैक्टिकल नॉलेज. ओके. हाँ जी. हाँ, फियर ऑफ मैथ्स, वो तो अभी भी है. मेरी सारी पेमेंट उल्टी होती है. हाँ, हाँ जी. नो, आई वॉज इन द बेस्ट. नहीं, इट्स अ फैंसी स्टोरी टू टॉक अबाउट विच आई एम टॉकिंग स्ट्रगल टू अचीव समथिंग. आई हैड हंगर दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग आउट ऑफ माई लाइफ. आई डोंट वॉन्ट टू एंड अप एज अ लूजर. सो it's not that I studied a lot. It's not that I was burning the midnight oil. But whenever I would study, I would give my 100%. I wouldn't take any subject lightly. I would learn. And jahan nahi aaya na kuch samajh ya nahi samajh pada, usko samajhne ki koshish kari. And your attitude, I think more than anything else, my attitude is what got me my first job. Not my aptitude. मैंने कितने सही जवाब दिए, doesn't matter. वो जो लोग वहाँ बैठे हैं ना, अब मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ. मैंने टेक इंटरव्यूज. आप फॉर इंस्टेंस, लेट्स से आफ्टर 3 years आई कम फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट,
I will ask you kitchen questions if I'm recruiting for kitchens. But even if you give me a wrong answer, I'm not looking for right answers. You know, the mind of the guy who's come here to interview you, he's looking for basic aptitude, but he's looking for attitude. Ki aapka attitude kya hai? Aap karne ke liye tayyar ho, grilling ke liye tayyar ho, come grill me, don't worry, I have the hunger, boss, I need the job, aap jo karna karo, main hilunga nahi. Maine 3-3.5 din wahan bitaye apne interview ke liye, main raat ko nahi gaya, wahan pasta bana raha hu, chef ne dekha, I'm sure wahi reason hoga, ki ye pagal hai, isko chahiye, mere ko to chahiye thi, mujhe pata hai, mera pyo bolega, what? You were the worst mistake of our lives. You have no job. Look at your sisters. Everybody's done commerce. They're all going ahead. You're the only boy who did nothing. So I was like, boss, I have to prove. So I had that hunger. And you will find your hunger. Right now is the rosy, easy steps. Enjoy it. College life is the life. It's never going to come back, guys. You'll never be back to college. You'll always talk about getting back into college. The bonds that you will make over here now will be the best bonds. School wale to hain, wo abhi bhi yaar hain, yaad hai. 8 mahine, saal baad sab idhar udhar ho jayenge. Ye college wale bond tumhari ab puri life tak chalenge. And you are the next big hoteliers for India internationally. Aap hi mein se koi ek niklega. आप ही में से कोई 6 साल बाद आके अपने कॉलेज में एक स्पीच देगा, हाउ ही और शी डिड इट. सो इट बी अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड. इट्स अ ब्यूटिफुल कोर्स. इट्स द मोस्ट नो नॉनसेंस कोर्स. इट्स अ कोर्स विच हैज नो लॉजिक. आपको लॉजिक नहीं लड़ाना कि 1+1 इज इक्वल टू 2. आपको इंट्यूटिव होना है. इंट्यूटिव का मतलब समझते हो कि अगले बंदे को क्या चाहिए. What is his need? What does he want? And you are there to fulfill it. Ke garmi hai. Maybe he needs water, bottle khuli, I should pour him. Where is the glass? Why shouldn't I place a glass and open it? It's very intuitive. It's a service-oriented industry. And that intuitiveness grows. Hoti nahi sabke andar. Ya hoti bhi to explore nahi kari hoti. Dheere dheere insaan explore karta. So that's in short. And like I said, you are sitting in one of the best institutes in India. You are very lucky to be here. And one of the most important things is attendance. It will happen. Shuru mein is first year, everybody tuk tuk tuk, dhire dhire. Second year, third year wale bolenge, arre kya ja raha hai, chal main tere ko leke chalta hu. Kahan second year wale, wo khada na, mundi la raha hai. Haan, arre haath niche kar, sab marenge tere ko. Pehchan mein aa jayega tu. Don't take your college casually. Enjoy your college. Enjoy coming to work. Sorry, work. To ab ho gaya mera. College, not work for you. So, jitna aap college ko enjoy karoge, aana, utna hotel mein jab ya restaurant mein, jis bhi job mein jaoge, usko enjoy karoge. That will be the decide. That's your real attitude. Ke boss, jao to 12 ghante, 15 ghante se kam naukri nahi hai. Buri halat ho jati hai. Khada karke, tange toot gayi meri, kamar toot gayi. Lekin main phir bhi next day I'm smiling, grinning, stupid grin on my face and going back. That's the right attitude. You have to go through the tough times to come out as a winner or whomsoever you want to be. I'm happy to take questions. Ah, phail gaya? Sorry. Any questions? Anybody wants to ask anything? Like anything? हाँ जी. हैंग ऑन, हैंग ऑन. नहीं नहीं, तो आप कॉर्डलेस ले लो सो दैट एवरीबडी कैन हेयर. व्हाट्स योर नेम? इंद्रनील. इंद्रनील चक्रवर्ती. इंद्रनील सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ह्यूज ऑनर टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड गेट टू आस्क यू क्वेश्चन सर. सर, माय क्वेश्चन इज टू यूज दिस सर. According to you, sir, what is the biggest challenge that someone has to face in this industry, and what is the best thing about this industry, sir? I think one of the biggest challenges in this industry that you'll face is you yourself. Tumhari inner voice, wo tumko kosegi. Ab tak na, haan kosegi, bahut kosegi. Ab tak na, you've been cushioned with a lot of things. Like school is a cushion. Abhi aap logo ko lag nahi raha ke cushion hat gaya hai. Wo cushion hat chuka hai. जब कभी कभार बड़ी देर बैठो ना, पीठ से कोई क्वेश्चन हटा लेता, ठंडी हवा लगता है, अच्छा लगता है, वाह.
एंड देन आफ्टर तो वो स्टेज पे आफ्टर वाइल ना वो कमर दुखने लगे पेरिस माई क्वेश्चन यार आई नीड माई क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं है सो आई थिंक वाई आई से दैट इज सिट डाउन सिट डाउन थैंक यू जब ये तो दिस इज अ वेरी इट्स अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री इन मैनी वेज बट वेरी रिवॉर्डिंग ऑल्सो When I say difficult, it'll ask for a lot of your personal time. It'll ask for a lot of your time away from your families. आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि आज मुझे जाकर काम पर क्या करना है क्या नया क्रिएट करना है कैसे अच्छा काम करना है आपका सबसे बड़ा एंड माइंड यू यू विल रिमेंबर माई वर्ड्स वट आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू दैट योर सबसे बड़ा चैलेंज वुड बी डीलिंग विद योर इनर वॉइस सेइंग What the hell, where मैं कहाँ फंस गया Why should I do this? Is it really worth it? मेरा क्या हो रहा है That inner voice will make or break you. That's your biggest challenge. And the rewards. Look guys, it's an industry which will, who all like to travel? Okay, let me ask, who doesn't like to travel? Raise your hands. You don't like to travel? Don't like to travel. नहीं travel नहीं पसंद? कोई बात नहीं. नहीं पसंद वाले पूछो किसको ट्रैवल पसंद नहीं है कोई कोई बड़ी हाँ ये लीडर बनेगी देख लो सबको पसंद है वो देख रहे हैं लोग कौन है लीडर उनका वो पीछे से खड़े होके किस सबको पसंद है किसी को ना पसंद है नो सर सो दिस इंडस्ट्री विल मेक यू ट्रैवल खाना किसको पसंद है सॉरी उल्टा खाना किसको ना पसंद है कोई होगा एक तो होगा मेरी जिंदगी में एक दो खाना ना पसंद है नो प्रॉब्लम इसको ठीक कर देना मैं एक ही है सो मोस्ट ऑफ यू एक्सेप्ट वन यू आर लव फूड यू विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड विद गुड फूड द मोस्ट एडवांटेजेस थिंग ऑफ ये तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था बट वन ऑफ द लाइक यू आस्क ना इंद्रनील राइट सो यू आस्क ना कि मतलब वॉट इज द चैलेंज आई डिस्कस एंड द बिगेस्ट रिवॉर्ड is this industry after your 3 years and another 3 years in this industry working will shape you as a person who can handle anything anywhere anytime we put you into a place where you have never done something before you will be able to figure out how to do it abhi tum puchoge ki ye kaise karte hain us waqt tum pata kya bologe मालूम नहीं कैसे करते लेकिन हो जाएगा एंड दिस विल बिकम योर मंत्रा कि आपको अगर मैं किसी भी डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट या किसी और स्ट्रीम में किसी और फील्ड में मार्केटिंग की फील्ड में डाल दूंगा आपका दिमाग चल रहा होगा मैं सेल्स में डालूंगा आपका दिमाग चल रहा होगा पीआर एंड मार्कॉम में डालूंगा आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो आपको कोई एक कोर्स नहीं सिखाता वो आपको बंदा बनाता है बंदा बनना मतलब इट विल गिव यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इट विल रॉब यू अवे फॉर लॉ ऑफ योर सेल्फ डिग्निटी ऑल्सो एट मोस्ट टाइम्स बट इट विल गिव यू सेल्फ कॉन्फिडेंस यू विल बी ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस ब्रिंग इट ऑन यू हैव थिंग्स फॉर मी ब्रिंग इट ऑन नो प्रॉब्लम आई विल हैंडल इट यू विल बी एबल टू हैंडल पीपल यू विल बी एबल टू हैंडल सिचुएशंस यू विल बी एबल टू हैंडल डिफिकल्ट टाइम्स एंड डिफिकल्ट जजमेंट्स or decision making you will be running multi crore businesses which is restaurants hotels blogging travel food research flavor development endless opportunities yeah celebrations bursting the bubble so yeah anyone else any other hope that answers your question yeah hanji good morning Good morning. My name is MD Shadab Kamil. I belong to Begusarai. I have some questions related to cruise industry. How I will be a part of cruise industry? And firstly, I will should say some things about Kunal Kapoor. I'm so happy to take a... Me. I'm so happy to meet you. Thank you. I'm equally excited to meet all of you. Yeah. Or, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं और मैंने होटल इंडस्ट्री सिर्फ आपके लिए ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे और मैं थैंक यू इट्स अ ह्यूज ऑनर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं मैं मेडिकल का भी तैयारी कर रहा था और इस बार भी मैंने AIPMT एम्स हर एंट्रेंस दिया है
बट कहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था और उसके बाद बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं थी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया और आपका अपडेट देखता रहता था बराबर, और उसके बाद जाके अट्रैक्ट होता था आपसे, आपसे ज्यादा मैं अट्रैक्ट हूँ, और मेरे होटल मैनेजमेंट करने का रीजन सिर्फ आप हो, मेरे आइडियल आप हो। थैंक यू जी, थैंक यू, प्लीज लिव अप टू दैट आल्सो यू। It's very humbling. Thank you so much. मैंने IIHM का भी इंट्रांस निकाल लिया और डीएसवी कॉलेज मुंबई का भी निकाला, बट मैंने कहीं सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सिर्फ आपको देखा था कि आप ब्रांड एम्बेसडर बने हो गुरु नानक का, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। और मैं आपको अपना आइडियल मान के चलता हूँ और आप हैं मेरे आइडियल हैं, और इंशाल्लाह आई विल फॉलो यू ऑलवेज एंड Inshallah, definitely. Thank you. So, thank you. इससे माइक ले लो, ये किसी को नहीं बोलने देगा।